रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज थी मेरी जर्नी जलंधर की ओर, और मैंने सोचा कि चलो सॉन्ग वगैरह सुनने से अच्छा है कि कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ही दे दी जाए अपने यूट्यूबर्स जो मेरे को देखते हैं। तो काफ़ी सारे टेक्निकल वीडियोस मेरी सब देखते हैं, उसके ऊपर वो क्वेश्चनिंग भी आती है और कईयों को प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं सलूशन भी देता हूँ। मगर आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि जैसे भी कोई भी आप ऐप चलाते हो, क्योंकि देखो स्मार्ट टीवी जब आप लेते हो तो उसका एक पर्पज होता है कि स्मार्ट टीवी में आपके जितने भी ऐप हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, जी फाइव हो गया, बहुत सारे और हैं, जियो हो गया, तो उसमें आपको क्या इशू आता है जब आपका टीवी जो है एंड्रॉयड टीवी वो अपग्रेड नहीं होता और जो बाकी ऐप्स हैं वो इंटरनली अपग्रेड होती रहती हैं। जब आप चलाते हो, उनको लॉगिन करते हो, तो वो तो अपनी ऐप जो है अपग्रेड करते हैं, लेकिन जो आपकी मशीन है वो नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपका जो टीवी है वो L1 लाइसेंस नहीं है, जैसे बहुत सारे ना सॉरी इंडिया में टीवी है, स्मार्ट टीवी जो बड़े सस्ते में मिलते हैं, लोग बड़ी जल्दी उसको ना ग्रैब करते हैं लोग, मतलब कि पैसा बचाने के लिए। अब डिपेंड करता है आप किस पर्पज के लिए टीवी ले रहे हो। अगर आपने वही 6,500 का टीवी लेना है तो ये आप बात समझ लीजिए कि बहुत सर्टिफिकेशन नहीं होगी उसकी, L1 सर्टिफिकेशन नहीं होगी, वो 5-6 हजार के बहुत आज की डेट में लगा हुआ है पूरा मेला, भेड़चाल लगी हुई स्मार्ट टीवी बेचने की, बहुत सारे इंडस्ट्रियां बना बना के स्टैंपिंग करके बेच रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो रॉयल्टी ले रही हैं अपने नाम के लिए, और उनको यही नहीं पता कि एक्चुअल में जो टीवी असेंबल्ड हो रहा है इंडिया में वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, ये चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। तो कभी भी ना, मतलब मेरा सुजेस्ट है और रिकमेंडेशन है हमेशा, अगर आप एक्चुअल में स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो तो कोई ब्रांडेड लो, जैसे MNC, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कोई भी अच्छा ब्रांड जो है MNC ब्रांड है, या मतलब अगर आप इंडिया का भी ब्रांड लेते हो तो कम से कम वो गूगल और एंड्रॉयड सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर वो सर्टिफाइड नहीं होगा तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी, किसी में साल किसी में 2 साल आपका जो है ऐप चलेगी, उसके बाद वो आउट हो जाएगी। उस आउट होने के बाद क्या होगा कि आप जब आपके रिमोट में जो फंक्शंस होते हैं शॉर्टकट कीज़ के, जैसे YouTube प्रेस करना है, Amazon करना है, Netflix करना है, अब जब वो शॉर्टकट कीज़ से आप ऐप को एक्टिव करते हो तो वहाँ पे वो जो है ब्राउजिंग पे चला जाता है कि आप ब्राउजिंग से जाकर आप अपना जो भी क्या कहते हैं मीडिया जो देखना चाहते हो देख सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि ये कोई डेस्कटॉप लैपटॉप तो है नहीं है कि कीबोर्ड लगा के फटाफट आपने ब्राउजिंग में डाला और आ गया, उसमें ये दिक्कत रहती है, फिर आपके कंपेटिबिलिटी का इशू आ जाएगा वहाँ पर, तो साहब का जो पैसा है वो ख़त्म हो गया, ख़राब हो जाएगा। मतलब आपने सोचा कि चलो 2-3 हजार रुपये हमारा बच गया टीवी लेने में, और बाद में वो उसका वो फिर आपको भुगतान बाद में करना पड़ेगा, फिर वो ना फेंकना पड़ता है टीवी। अगर तो सॉफ्टवेयर उसका अपग्रेड मिल गया मैनुअली जिससे लिया आपने, वो आपको प्रोवाइड कर दे तो ठीक है, 1-2 साल और चल जाएगा, और अगर नहीं है तो मैं फिर एक जस्ट लाइक ए टीवी है, मतलब उसमें मुश्किल से कुछ YouTube तो चल ही जाता है, लेकिन आपका नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा, Amazon प्राइम नहीं चलेगा, वहाँ पे जियो में प्रॉब्लम आएगी आपको, कुछ ना कुछ एरर आते रहेंगे जब आप उसको एक्टिव करोगे ब्राउजिंग से, क्योंकि ऐप तो जल्दी बंद हो जाएगी। तो ये इस तरह की इश्यूज रहते हैं, तो हमेशा टीवी MNC लो, ब्रांडेड लो जिसमें सर्टिफिकेशन हो, और एंड्रॉयड बैकएंड से, जैसे आप देखिए, आप जैसे मोबाइल लेते हो, आप मोबाइल लेते हो तो आपने देखा होगा कि अपने आप ही एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर, जो एंड्रॉयड का अपना सिस्टम का सॉफ्टवेयर है
वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कंपनी की तरफ से कि आप इसको अपग्रेड करो। तो ऐसे ही टीवी वगैरह में भी होता है, वो इंटरनली वो अपग्रेड करता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये चीज़ अपग्रेड हो रही है उस, तो वो अपग्रेड करेगा उसको। तो ऐसे जो अच्छे ब्रांड है वो उनके टीवी 10-10 साल उनको कुछ नहीं होता, और मोबाइल में तो आपको पता है 5-6 साल जो फिफ्थ ईयर होता है उसके बाद आपकी नॉर्मली मोबाइल चलेगा, ऐसे फोन चलेगा। लेकिन अगर जैसे आप बैंकिंग कर रहे हो, जब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है मतलब के वो करंट ईयर के हिसाब से और डिवाइस के अकॉर्डिंगली उन्होंने मतलब मेंटेन किया हुआ उस चीज को, तो वहां पे डिवाइस इज नॉट कंपेटिबल का एरर आएगा। ऐसे टीवी में आता है, नेटफ्लिक्स लाओगे तो वो बोलेगा कि दिस डिवाइस इज नॉट कंपेटिबल विद द नेटफ्लिक्स, ना वो लाइसेंस वगैरह का इशू होगा। तो यही मेरा है कि आप हमेशा टीवी जो लो ब्रांडेड लो, और आप बजट देखो, ब्रांडेड में भी बजटेड टीवी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे महंगे होते हैं। आप ये देखिए पहले फीचर्स आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम मतलब कि हमें पता भी नहीं होता क्या क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसिफिकेशन की, और हम फालतू में पैसा खराब करते हैं। अब एक ही मॉडल के 10 टीवी हो गई थी कंपनी की, एक टीवी 10-12 हजार का होगा, वही ऐसे ही मॉडल एक आपका 25 हजार का होगा। तो वो चीज़ आप स्टडी करें अच्छी तरह से कि आपको एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है अब, ठीक है ना जी। तो वो चीज़ों को आप स्टडी करके हमेशा पैसा खर्चिए अपनी जेब का पॉकेट, क्योंकि मीडियम क्लास वाला बंदा बार बार ये चीज़ें नहीं ले सकता। तो इसको आप श्योर रखें, और कोई भी और क्वेरी हो तो मेरे को जरूर बताना। और हाँ, जैसे एक चीज़ और मैं भूल गया, बहुत सारे मेरे को व्यूअर्स के मैसेजेस आते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है हमारे टीवी में, तो काइंडली मुझे ये बता दीजिए करें कि कौन से ब्रांड का टीवी है, क्योंकि नॉन ब्रांड टीवी में तो मैं सलूशन नहीं दे सकूंगा, क्योंकि उसमें पता क्या होता है, उसमें क्या है कि आपके टीवी का जो क्या कहते हैं कार्ड जो लगा होता है टीवी में, कौन सा कार्ड लगा हुआ है, CVT कार्ड लगा हुआ है, इंटेल का कार्ड लगा, कौन सा कार्ड लगा, ऐसे नहीं पता लगेगा ना उसका, तो वही सोर्स कोड से ही हमें देखना पड़ेगा कि सोर्स कोड से कि वो टीवी कौन सा है, उसके अंदर कार्ड कौन सा लगा है और कौन सा वर्जन चल रहा है, कितनी पावर उसकी है ले रहा है, तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करके तब वो सॉफ्टवेयर उसका कंपेटिबल होता है। अगर वो चीज़ कंपेटिबल नहीं होगी तो आप अगर करोगे इंस्टॉल तो आपका कार्ड जो है उसमें ई प्रोम होती है वो डेड हो जाएगा, तो फिर वो कार्ड जो है यूजलेस हो जाएगा और टीवी खत्म हो जाएगा, फिर आपको टीवी लेके घूमना पड़ेगा मैकेनिकों के पास कार्ड लगवाने के लिए। कार्ड मेल तो जाते हैं, कंपेटिबल भी होते हैं, बहुत सारे अपने नॉन स्मार्ट टीवी को लोग स्मार्ट टीवी बना देते हैं, सारे फीचर्स होते हैं, क्योंकि पैनल तो सेम ही होता है, सिर्फ कार्ड के चक्कर में और रिमोट के चक्कर में जो होता है वो पैसे की जो है ना वैल्यू बढ़ जाती है। और एक और मैं चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते और आपके पास ऑलरेडी कोई नॉर्मल टीवी पड़े हैं, स्मार्ट टीवी नहीं पड़े हैं, तो मेरा बेस्ट सजेशन है कि आप जो कहते हैं स्टिक जो होती है, सॉरी मैं भूल गया, फायर स्टिक, तो फायर स्टिक लगवा लीजिए, अमेजोन की आती है, बहुत सारी आती है, तो ये ना सर्टिफाइड स्टिक्स होती हैं और इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी अपने आप इंटरनली जो है सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करती हैं, और प्लस जितने भी एप्स हैं नेटफ्लिक्स वगैरह के उनके साथ इनका कलेबरेशन होता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपको यूटिलाइज करने के लिए अगर आप नहीं महंगा टीवी लेना चाहते। तो यही था मेरा आज की गाइडलाइन आपको, तो थैंक यू सो मच।